दोस्तों, आप लोगों ने दो तरह का प्रेशर गेज देखा होगा। एक तो होता है जो लिक्विड टाइप का होता है, और दूसरा जो होता है जो विदाउट लिक्विड होता है, जिसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता है। तो दोस्तों, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है कि एक के अंदर लिक्विड और दूसरे के अंदर विदाउट लिक्विड डाला जाता है? इसका इंस्टॉलेशन हम कहाँ करते हैं और उसका यूज कहाँ करते हैं, और जो इसके अंदर लिक्विड डालते हैं वो किस टाइप का लिक्विड होता है, और कौन कौन से लिक्विड इसमें यूज किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, आप मैंने देखा देखेंगे था। तो जो लिक्विड का होता है, जो लिक्विड प्रेशर गेज होता है, जिसके अंदर जो है लिक्विड फिल किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अगर आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है, या ऐसे लोकेशन में हैं आप जहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मली मैक्सिमम जो है 45-50 सेंटीग्रेड तक जाता हो, और माइनस में जो है बहुत कम, वहाँ पे जो ये लिक्विड जो प्रेशर गेज होता है, इनके अंदर जो है ग्लिसरीन होता है वो फिल किया जाता है। और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे देखेंगे आप कि जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बहुत लो टेम्परेचर चला जाता है, उसके अंदर भी लिक्विड फिल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है ये ग्लिसरीन की जगह पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन लिक्विड जो है उसके अंदर फिल किया जाता है। और तीसरा लिक्विड भी फिल किया जाता है दोस्तों, वो होता है हैलोजन। तो हैलोजन लिक्विड वहाँ फिल किया जाता है जहाँ पे प्रेशर गेज का यूज किया जाता है। अगर वो पाइपलाइन सपोर्ट डेट यहाँ पे जो पाइपलाइन कनेक्ट होती है, और वो जो है कुछ ही ऐसे लिक्विड का जो है प्रेशर लेना होता है हमें, या ऐसे गैस का प्रेशर लेना होता है जहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या जो है क्लोरीन, क्लोरीन का जो है प्रेशर हमें लेना होता है, वहाँ पे जो है हम हाइड्रोजन लिक्विड इसके अंदर जो है वो फिल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें लिक्विड क्यों फिल किया जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों, कहीं पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, यानी कि इस तरह से जो है हमारा प्रेशर गेज हमेशा हिलता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, कि जो अगर विदाउट लिक्विड का हमारा अगर जो वहाँ पे प्रेशर गेज यूज किया जाएगा, तो जो हमारी ये सुई है तो वो एक्यूरेसी नहीं बता पाई, यानी कि एक्यूरेट प्रेशर वो नहीं बता पाई, और उसकी रीडिंग हम सही नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे जो है ये लिक्विड उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लिक्विड रहेगा तो वो इतने आसानी से, मतलब जो है इतने आसानी से वो हिलेगी नहीं, एक तरह से उसमें जो है थोड़ा सा लोड बना रहेगा। और दूसरा दोस्तों, जो इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो इसके अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम लगा होता है, उसमें लिक्विड होने की वजह से वो लुब्रिकेट भी होता रहता है, और बार बार अगर वाइब्रेशन की बात करें, अगर वाइब्रेशन पे वो लगा हुआ है तो जल्दी से इसका मैकेनिकल सिस्टम वो ख़राब भी नहीं होता है। और अगर बात करें दोस्तों, कुछ लाइनें ऐसी होती है जिसके अंदर जो है एयर या फॉगिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे भी जो है ये प्रॉपर काम करता है। अगर वहाँ पे विदाउट लिक्विड होगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, वो जो है हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहेगा और एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप जो है ऐसी जगह कहीं पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये लिक्विड जो है इसके अंदर क्यों फिल किया जाता है, और जो है जो प्लेन वाला जो होता है, जो विदाउट लिक्विड है, उसका यूज क्यों किया जाता है। अक्सर दोस्तों, इंटरव्यू में सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जो है प्रेशर गेज के अंदर जो लिक्विड है वो क्यों फिल किया जाता है, यानी कि प्रेशर गेज जो है लिक्विड वाला प्रेशर गेज क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।